हेलो फ्रेंड्स, जी डब्ल्यू डी, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सैफी शेख ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो चुकी है हमारे चूज़ों के साथ। ये हमारी चूज़ा गैंग, जो कि सर्दी में इसको खिलाना है अंडा, तो इनको पहले खिलाते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं इनकी फैमिली यानी इनके माता पिता के पास, तो उनको भी खिलाते हैं एग, फिर देखते हैं इंशाल्लाह इनको ठंड नहीं लगेगी। तो करते हैं सबका दाना पानी, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तो फाइनली छोटी गैंग को खिलाने के बाद बड़ी गैंग को भी खिला दिया है। तो छोटी गैंग खा चुकी है और अब बड़ी गैंग का नंबर है, तो असील गैंग जो कि खा रही अंडा, और सर्दी में अंडा खिलाएंगे ताकि इनके थोड़ा सा गर्मी आए शरीर में। और बच्चों को खिलाते हैं अभी आटा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह। जानवरों को नाश्ता देने के बाद अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया हमारे लिए, ये जो नेमतें हैं इनका नाश्ता हम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपना नाश्ता करने के बाद। और हाफिज़ जो है आ चुका है छुट्टी में। इधर देखो हाफिज़, ये थारा भाई हाफिज़, और अभी कर रहा है वर्कआउट। जब तक हम खाते हैं फ्रूट सैलड, वो करता है वर्कआउट, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर के बाद। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता पानी करने के बाद हम आ चुके हैं अपने गांव, और यहां पे हम लेंगे एक मुर्गा, जो कि आज हम अपने प्लॉट में करेंगे मुर्गा पार्टी। हाँ, ले क्या ले क्या, तुम लोग इधर खड़े हो, इधर इधर। और मुर्गा काफ़ी शानदार है, देसी मुर्गा है, गाँव का चरा हुआ। ये आ रहा पट्ठा। हाँ, तुम इधर बीच में, बीच में, बीच में। तो काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद ये पकड़ा जाएगा, इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। आगे से लेके बीच में अंदर ले जाओ दरवाजे के। तो अभी बच्चों को लगा दिया है सर्चिंग में, और ये सारे बच्चे लगे हुए हैं हमारे मुर्गा पकड़ने में। जैसे मुर्गा घर के अंदर जाएगा, प्यार से लाओ, प्यार से, प्यार से, ज़्यादा करीब मत आओ। हाँ, ले क्या। तो अभी हम भी मेहनत करते हैं, क्योंकि इनके बस का ही नहीं बच्चों को। तो फाइनली गाइस, थारा भाई सैफी शेख ने पकड़ लिया ये वाला मुर्गा। और भाभी का जो मुर्गा देखा था वो शायद हल्का था, और हमने इस मुर्गे की बात करी थी। ये मुर्गा हमारे हाथ में है, मुर्गा बहुत ही खूबसूरत है, तो चलते हैं इसको लेके अपने सेटअप। तो फाइनली गाइस, मुर्गा और कबूतर हमने दोनों ले लिए हैं, और ये हमारी चच्ची के मुर्गे हैं। हमने चच्ची से कहा दे दीजिए, उन्होंने कहा एक ही है हमारे पास, सबके पास एक ही होता है, लेकिन जब रेट अच्छा मिलता है तो आदमी दे देता है। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस मुर्गे का नंबर रहेगा। मुर्गी इनकी सारी एक नंबर है, और ये इनकी बकरियाँ। तो फाइनली हम आ चुके सेटअप में। कबूतर हमने छोड़ दिए, जो कि ये घाड़े हुए कबूतर हैं। बच्चों ने हमारे साथ गेम कर दिया था, हमने बच्चों के साथ गेम कर दिया, अच्छे वाले कबूतर उन्होंने नहीं दिए, आज हम अच्छे वाले लेके आ गए। तो आज हो रही सफाई, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद प्रोग्राम है। ये मुर्गा जो आपको दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये कुकर या भगोने में होगा, तो इसको करा के लाते हैं फ्रेश, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस, बहुत परेशान करने के बाद ये आ चुका है हमारे पास। मुर्गा जिद्दी था, मगर खूबसूरत बहुत है। तो अभी इसको करवा के लाते हैं, समझो। हाँ, अब सुनो। तो हम आ चुके हैं हिंदुस्तान अंडा और मुर्गी सेल दुकान में, और हमने इनसे बात की थी कि शायद मिल जाए बटेर, लेकिन बटेर नहीं मिला। और मिला जब, जब हम मुर्गा लेके आ चुके हैं, तो भाई अपना भी इसको फ्रेश करके रेडी करके देता है हमको। तब तक हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं और दिखाते हैं। कारी साहब हमारे बैठे इंतजार में, इंशाल्लाह जैसे ये रेडी होता है फिर लेके चलते हैं। और ये हैं इनकी मुर्गियाँ। ये किलो में आती, पीस में आती बाबू, क्या हिसाब है? सुन लियो कारी साहब, ये 550 रुपये किलो खड़ा। कड़कनाथ भी है इसमें, देसी भी है, सब है। और ये इनका सेटअप है जहाँ खाना बनता है, बहुत फेमस होटल है माशाल्लाह। तो अभी हम देखते हैं हमारे मुर्गे में कितना गोश्त निकला। तो फाइनली गाइस, माशाल्लाह मुर्गा फ्रेश हो गया, साफ़ सुथरा, और देसी मुर्गे की बात ही अलग है। क्या ज़बरदस्त मुर्गा है भाई, अल्लाह ताला शुक्र है अल्लाह पाक का हर हाल में। माशाल्लाह मुर्गा बहुत शानदार है भाई। मुर्गा कैसा है ईमानदारी से बताना। माशाल्लाह बढ़िया, बढ़िया है ना, पास हो गए, खुश हो गए तुम? जी भाई, जज़ाकअल्लाह। तो फाइनली लास्ट टचअप बाकी है, कोयला डाल दिया गया भट्टी में। अहमद भाई शेफ हैं, और हामिद भाई अमरूद खा रहे संतरा, अहमद भाई प्याज लाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे कदम ताल करते हुए चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। देसी मुर्ग, देसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो बारबेक्यू है वो तो फाइनल हो रहा है, और पब्लिक इंतजार कर रही है। अहमद भाई अपना मेहनत कर रहा है फुल शिद्दत से, पंखा हाँक रहा है, और इधर चिकन जो है लगा हुआ है माशाल्लाह दम में, अभी इसकी भुनाई हो रही है, और सिस्टम पूरा सेट है माशाल्लाह। अबे प्लेट में रख लो भाई। अहमद भाई आलू छील रहे हैं, और कारी साहब जो है भुना हुआ भी खा रहे हैं,
और तला हुआ और सालन वाला भी बन रहा है। मामू मजा आ रही है फुल। अबे चटनी दो और प्लेट में रख के खाओ, थाला लिए घूम रहे हो। तो अभी स्टार्टर में आलू चल रहा है माशाल्लाह, और हामिद भाई ने घसीट दिया है। कितने आलू खाए? अब वक्त हुआ चाहता है खाना खाने का, दस्तरखान लग चुका है और बस अब बिछा दिया जाए। भाई क्या बोलते हो? और वाली साहब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मामला रेडी होगा धुआं धुआं कर देंगे खा खा के चिकन इंशाल्लाह। पहले हल्के हाथ से रखा हुआ स्टार्टर, फिर उसके बाद स्टू, फिर उसके बाद ग्रेवी। लेकिन बहुत सीधा मुसलमान, बहुत सीधा, इतना सीधा भी ना होना चाहिए। मजा आ गई भाई, अब भुना भुना बनाए तो अब हम भी बैठते हैं खाते हैं खाना। आयाज भाई भूख लगी रहा है, कई लोगों बना रहे हैं सदफ। तो फाइनली गाइस आज सेटअप बंद कर दिया जाए जल्दी, क्योंकि हमारे फरमान भाई का आज था बर्थडे। तो अभी हम बर्थडे की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ये देख दिखा दे, अंदर दिखा। ये है मोहम्मद फरमान दादा का केक। बहुत कैसा लगा फरमान केक? अच्छा अच्छा, तो जजाकल्ला फरमान भाई ने पास कर दिया। सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे, फिर मिलते हैं आपसे जश्न के टाइम। भाई फाइनल लुक में आ चुके हैं और इन्होंने पहन लिया क्रिस वाला मास्क और बनेंगे बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय। तो अभी काटेंगे केक और मनाते हैं भाई का दरु शिल्पा के बर्थडे। कैसा केक तेरा? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। फुल ट्रेन है चुआ, इतन कामिंग के पास फॉर्म है भाई। तो मोहम्मद फरमान जो कि बर्थडे मना चुके हैं बर्थडे बॉय, इनके भी फोटो खींच जाएंगी पेट भर के। और ये केक सेटअप जल्दी बंद होने की वजह तो अभी अपना बर्थडे सबको फरमान को। ये हमारा फरमान जो कि जियो हजारों साल कामयाब रहो, खूब अच्छे से पढ़ो लिखो।